नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे मंथली निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज की पॉसिबिलिटीज की, यानी पूरे मार्च महीने में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक टूट सकते हैं, कहां तक बढ़ सकते हैं, क्या होंगे सपोर्ट, क्या होंगे रेजिस्टेंस, क्या होगा हमारा मैजिकल लेवल्स। मैजिकल लेवल्स क्या होते हैं? मैजिकल लेवल्स हमारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है करेक्टिव या फिर बेरिश, मैजिकल फिगर के ऊपर चलने पर होता है बुलिश। जो फरवरी मंथ में करेक्शन देखने को मिला वो स्वाभाविक रूप से आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों ने लास्ट फरवरी मंथ की वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि मैजिकल फिगर ऊपर का था और बाजार नीचे चल रहा था तो बाजार एक करेक्टिव मोड पे था, यह हर किसी इंटेलिजेंस की वीडियो देखने वाले को पता था। तो हर बार की तरह मैं इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए मार्च मंथ की एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ कि मार्च मंथ में कहाँ तक बाजार टूट सकते हैं और कहाँ तक बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के क्रम को, इस आंकड़ों को डिस्कस करने के पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को एक कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा और इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताने की, कुछ समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो करता हूँ कहानी की शुरुआत। एक बड़े ही मशहूर पेंटर हुआ करते थे पिकासो नाम के, शायद आप लोगों ने भी इनके बारे में सुना होगा या फिर इनकी कहानी सुनी हो, सकता है आप लोगों ने कहीं सुनी हो, जनरिक कहानी है। तो पिकासो जो एक बहुत मशहूर पेंटर हुआ करते हैं, कहाँ के, स्पेन के, उनकी पेंटिंग के लोग इतने दीवाने कि मिलियन 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 डॉलर खर्च करने के लिए रेडी होते हैं। एक बार किसी अपने काम से, आर्ट के काम से सफ़र करते होते हैं, रास्ते में थक जाते हैं तो एक छोटे से शहर में, एक छोटी सी होटल में रुक जाते हैं जहां पर उन्हें जानने वाला कोई नहीं होता। तो बढ़िया, वो भी कंफर्टेबल, किसी को कुछ पता नहीं। वहीं पर एक महिला उनको पहचान लेती है, अरे ये तो वही मशहूर पेंटर है, ये तो वही मशहूर पेंटर है जिनकी पेंटिंग के लोग दीवाने हैं, और फॉर्चुनेटली वो भी उनकी एक फैन हुआ करती है बहुत बड़ी। वो जाती है, पिकासो साहब से पूछती है कि आप वही पेंटर हो जो बहुत प्रसिद्ध है और जिनकी पेंटिंग्स मिलियंस ऑफ डॉलर में बिकती है। तो कहते हैं हाँ मैं वही पेंटर हूँ। उनसे वो रिक्वेस्ट करती है, मुझे भी एक पेंटिंग बना के दे दीजिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे एक पेंटिंग बना के दो मिलियन डॉलर की। पिकासो कहते हैं अभी तो मैं यहाँ से सफ़र करता आया हूँ, मेरे पास सारा सामान भी नहीं है और तुम स्पॉन्टेनियस आ गई हो मेरे पास कि मुझे एक पेंटिंग बना के दे दो, तो साधनों के ना होने की वजह से मैं कभी और बना के दे दूंगा, आज मुझे बख्श दो। वो बहुत हटी रहती है वो महिला, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, फिर आप मिलो ना मिलो, आज मिल गए हो प्लीज़ एक पेंटिंग बना के दे दो। पिकासो साहब अपनी जेब में हाथ डालते हैं, कागज का टुकड़ा निकालते हैं और 20 सेकेंड मात्र में एक पेंटिंग ड्रॉ करके उस महिला के हाथ में दे देते हैं, कहते हैं ये लो मिलियन डॉलर की पेंटिंग। यही बस इंटेलिजेंस आप लोगों को आंकड़ों के माध्यम से आप लोगों को मैजिकल लेवल्स और बाजार के उतार चढ़ाव को बताने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से उस महिला को यह यकीन नहीं होता कि 20 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने एक मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना के दे दी, उसी तरह से जो इंटेलिजेंस आप लोगों को लेवल्स दे रहा है, शायद आप लोगों को अभी उस पर बिलीफ ना हो रहा हो। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग पुराने लोग जुड़ रहे हैं, वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो फॉलो वन और फॉलो नन की स्ट्रैटेजी में रहते होंगे कि इंटेलिजेंस के दिए हुए मैजिकल फिगर के ऊपर ही बाय करना है और जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक या फिर बाजार में एग्रेसिव कम होना है या फिर सेल करके काम करना है। अब उस महिला को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मिलियन डॉलर की पेंटिंग मुझे दे दी है, उसे बार बार ये लगता रहता है कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो मार्केट जाती है उस कागज के टुकड़े को लेकर, और जब मार्केट में उस पेंटिंग का दाम बताया जाता है उसे, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि वाकई में ये मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। बहुत प्रसन्न होती है। तो जब आप लोग प्रॉफिट बनाते हैं, जब आप लोग रूल्स फॉलो करते हैं, जब आप लोग सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, इंटेलिजेंस हर वो कोशिश कर रहा है कि हर रिटेलर पैसा अपनी कैपिटल के हिसाब से बनाए, तो जितने लोग भी बना रहे हैं उस महिला की तरह खुश होते हैं। वो महिला वापस से उस पेंटर के पास जाती है और पिकासो साहब के पास जाती है जो विश्व प्रसिद्ध पेंटर है, और कहती है कि आपने ये 20 सेकंड से कम में कैसे कर दिया, मुझे भी पेंटिंग सिखा दीजिए। आप 20 सेकंड से कम में कर लेते हैं, हो सकता है मैं भी आपसे सीखकर 10 मिनट में तो बना ही लूंगी। तब पिकासो साहब का जवाब होता है कि मैंने ये 20 सेकंड की पेंटिंग अभी बनाई है, लेकिन इसको बनाने के लिए मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं, तुम भी दे दो, तुम भी सीख जाओगी।
निःशब्द हो जाती है वो महिला। यहाँ पर भी मैंने फाइनेंशियल मार्केट में लगभग 19 साल दे चुके हैं और आप लोगों को इस आंकड़ों के माध्यम से बाजार को समराइज करके सब कुछ दे देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई कहीं मार्केट में लॉस ना हो जाए। बस आप लोगों को भी कुछ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, वीडियोस को सारा देखना होगा, बिना स्किप करे सारे सेगमेंट को देखना होगा और इंटेलिजेंस को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप लोग कल से पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने एक डिसिप्लिन बना लिया कि मुझे आधे से एक घंटा इंटेलिजेंस की वीडियोस को देना है और उसको पेपर ट्रेडिंग में या फिर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए उसको इस्तेमाल करना है, मैंने आप लोगों के जो आंकड़े देता हूँ उसको भी कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए भी एक वीडियो डाली हुई है। लाइन मारो, पैसा बनाओ, और जो पैसा बना रहे हो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, हर घर वॉरेन बफे की पहल, A to Z सब कुछ इंटेलिजेंस आप लोगों को दे रहा है। बस आपका काम इतना है कि सारी वीडियोस को रिलीजियसली देखें, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो डेली हो। मैं पिकासो साहब ने तो उस महिला को कह दिया था कि भाई तू भी 30 साल दे दे, तू भी सीख जाएगी, लेकिन मैं यहां पर जो 19 साल दे के बैठा हूं, हमने तो ये कोशिश की है कि आप लोगों को 19 साल ना लगे। हो सकता है कोई 9 महीने में सीखे, कोई हो सकता है 19 महीने में सीखे, कोई 29 महीने में सीखे, लेकिन इतनी कोशिश तो जरूर की है कि आप लोगों को 19 साल नहीं लगेंगे। तो अगर आप लोगों को भी बड़ा पैसा बनाना है, लंबा पैसा बनाना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले फॉर्मूले को एडॉप्ट करना होगा और बाजार में कन्विक्शन बढ़ाने के लिए लाइन मारो पैसा बनाओ वाला वीडियो देखना होगा। स्पेकुलेशन मत करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, लीवरेज इस्तेमाल मत करिए, रहिए कायदे में। जितनी कैपिटल है उसके अगेंस्ट में एक रैशनल प्रॉफिट डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इन आंकड़ों के आधार पर इतना प्रॉफिट मिलेगा तो मैं बाजार से दूर हो जाऊंगा, और बढ़िया फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो आशा और कामना करता हूं कि आप लोगों को एक कहानी का सार समझ में आया होगा कि मैं कहां से आप लोगों को क्या किस लेवल में कनेक्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्च महीने की एक्सपेक्टेशंस की। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हमने फरवरी मंथ के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट लिए थे, क्या रेजिस्टेंस लिए थे और क्या थे हमारे मैजिकल लेवल। मैजिकल लेवल क्या होते हैं? मैजिकल लेवल हमारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है करेक्टिव या फिर बेरिश, मैजिकल फिगर के ऊपर चलने पर होता है बुलिश। तो मुझे ऐसा लगता है मैजिकल फिगर ने आप लोगों को फरवरी मंथ में खूब सारा पैसा कमा के दिया होगा। और जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाया पिकासो साहब की, जो विश्व प्रसिद्ध पेंटर हुआ करते थे कहानी में, वो 18-19 साल के अनुभव का निचोड़ ही है एक्चुअली मैजिकल फिगर। चलिए पहले अपन रिव्यू कर लेते हैं कि हमने फरवरी मंथ के लिए क्या बातचीत की थी और फिर बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को लेवल्स देता निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहले रिव्यू करेंगे और फिर मैं आप लोगों को मार्च महीने के लिए क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस और क्या मैजिकल फिगर निकल के आ रहे हैं वो डिस्कस करूंगा। 18,134 का हाई पोस्ट किया, 18,040 से 18,250 का रेजिस्टेंस लेवल दिया था और 18,450 का मैजिकल फिगर दिया था, बाजार को बताया था अप, लेकिन मैजिकल फिगर के नीचे था तो बाजार था करेक्टिव। लिए चलता हूं आप लोगों को चार्ट में और देखते हैं कितना पैसा कमाया आप लोगों ने। 17,355 का लो पोस्ट किया, सपोर्ट लेवल दिया था 17,230 का, ठीक है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये रहा निफ्टी का चार्ट, एक बार गया बाजार 18,040 के ऊपर, वो भी था कौन सा दिन था, ये बजट का दिन था क्या, नहीं 16 फरवरी को एक बार गया 18,040 के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया, उसके ऊपर रुक नहीं पाया। आप देखिए 18,040 का ही बेस बनाया इसने रेजिस्टेंस का और वहां से बाजार के लिए गिरने के लिए जगह थी 17,575 तक, आराम से 400 पॉइंट कैपिटलाइज कर सकते थे। अब ये मान लेते हैं कि 18,575 के आसपास आप लोगों ने अगर बाय भी किया होगा तो आज की क्लोजिंग 17,450 के आसपास की, 17,575 की बॉटम के बाद 17,200 इसने एक्चुअली ये लो कितना पोस्ट किया, 17,262 का लो पोस्ट किया स्पॉट में, 230 का सपोर्ट लेवल दिया था, लाओ माल और क्या चाहिए भैया, वाओ सुपर। 17,450 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 18,040 से 17,575 तक का फॉल था
वो तो एटलीस्ट कैपिटलाइज हुआ होगा। बात करेंगे, अच्छा मैंने एक्सपेक्टेड रेंज भी दी थी आप लोगों को 17200 से 19600 की। 19600 की तभी पॉसिबिलिटी थी जब बाजार का मैजिकल फिगर कट जाता। 39800 का मैजिकल फिगर दिया था बैंक निफ्टी का, लो है 39606 और सपोर्ट लेवल दिया था 39180 का, इसके बीच का लो है। हाई है 42250 का, ओहो 42250 का हाई है और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 42450 का। 200 पॉइंट उधर छोड़ा है, 200 पॉइंट इधर एक्स्ट्रा टूटा है, बस पूरा हमारी रेंज में रहा है। लिए चलता हूं आप लोगों को चार्ट में, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप ये देखिए 42450 के आसपास पहली ब्लू लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, पहली रेड लाइन सपोर्ट लाइन है। तो पहली ब्लू लाइन से पहली रेड लाइन तक का पूरा सफर था और बाजार ने पूरा पूरा तय किया। 40250 भी आया और 39800 मैजिकल फिगर को भी इसने टेस्ट किया, उसी का बेस बनाया हुआ आप देखिएगा। जब बाजार रिवर्सल किए तो एक घंटे की कैंडल स्टिक्स है, अंडाकार आकृति के अंदर एक एक घंटे की कैंडल स्टिक्स है, आप वो देखिए। एक घंटे के अंदर अंदर वो 39600 के आसपास आया, लेकिन उस कैंडल की क्लोजिंग 39800 के ऊपर की थी और उसके ऊपर की वो उस कैंडल ने क्लोज दिया और उसके बाद 39800 के नीचे नहीं गया बाजार। और आज हम बाजार को 41000 के आसपास देख रहे हैं। टूटता हुआ बाजार भी आप लोगों को पूरा पता था, मुझे ऐसा लगता है 42000 से 40000 तो कहीं नहीं गया। 2000 पॉइंट कैपिटलाइज कर सकते थे, 2000 पॉइंट मतलब 50000 रुपए, लाओ माल, सुपर। चलिए, और एक्सपेक्टेड रेंज बताई थी मैंने 40000 से 46400 की और 42450 के ऊपर की स्टेबिलिटी, यानी निफ्टी का अगर मैजिकल फिगर कटता था तो मैंने कहा था ये रेंज भी आ सकती है। लिए बात करेंगे आप लोगों के साथ मार्च महीने की, 29 मार्च 2023 के सपोर्ट रेजिस्टेंस और मैजिकल फिगर दूंगा। बाजार की एक बार आज की क्लोजिंग भी देख लें, कहां पर क्लोज हुआ है, क्या चल रहा है इसका। 17532.70 पे क्लोजिंग आई है, कब की, 1 मार्च 2023 की। टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं, बाजार क्लोज हो चुके हैं। पहला रेजिस्टेंस होगा 17360, दूसरा रेजिस्टेंस 17140, तीसरा सपोर्ट होगा इसका, सॉरी सपोर्ट लेवल है 17360, 17140 और 16800। पहला रेजिस्टेंस 17850, 17850, दूसरा रेजिस्टेंस 18350, तीसरा रेजिस्टेंस 18430। बाजार की एक्सपेक्टेड रेंज लगती है 16800 वर्स्ट केस में और 18500 बेस्ट केस में। बात करूंगा बैंक निफ्टी की, मैजिकल फिगर लास्ट में देता हूं। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 40910 की। पहला सपोर्ट 40300, 39800 और 38620, 40000 के बाद ही ये कोई लेवल टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस 41600, 42250 और 43200। बात करूंगा मैजिकल लेवल की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। मैजिकल फिगर आप लोगों को बाजार का मित्र बना के रखता है। निफ्टी का मैजिकल फिगर है 17900 के ऊपर निकलती है, अभी तो खैर काफी नीचे है, 300-400 पॉइंट नीचे है, 17900 के ऊपर निकलती है तो बाजार 18500 और 400 के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसको 17900 को काटना पड़ेगा। बाजार लगता है मुझे साइडवेज, हो सकता है 17900 का बेस बनाकर 100-200 पॉइंट ऊपर जाए, 100-200 पॉइंट नीचे रहे, पूरा मार्च महीना मुझे साइडवेज लगता है बाजार। हालांकि 17900 के बाद मंदी में नहीं रहना है और 17900 जब तक नहीं कटता है तब तक बाजार सेल ऑन राइज वाली रणनीति भी बना सकते हैं। बाजार साइडवेज है, 100-200 पॉइंट जैसे भी मिले, जिस जो भी आप लोगों को खुशी देता है बुक करते रहिए। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर जान करके नीचे का दे रहा हूं ताकि किसी भी बाजू का ब्रेकआउट आए तो आप लोगों को पता रहे। 39400 का मैजिकल फिगर होगा बैंक निफ्टी का और बाजार लगता है साइडवेज। एक्सपेक्टेड रेंज लगती है 38600 से 43500 की। 43500 के बाद मैंने एक बहुत पहले साल भर पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बहुत लंबे लंबे लॉन्ग टर्म के टारगेट दिए हुए हैं, वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। आपके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मैजिकल लेवल्स है, सब कुछ है। इंजॉय करिए,
पैसा बनाइए, खूब सारे कमेंट करिए, लाओ माल और जय श्री महाकाल। बस फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए, डेली वीडियोस भी देखिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की वीडियो देखिए, जो मार्केट को ग्लोबल लेवल पे समझना चाहते हैं वो MCX की वीडियो भी देखिए। डेली लाइव आते हैं MCX के लिए भी, कमोडिटीज़ के लिए भी और इक्विटीज़ के लिए भी, मंथली वीडियो के साथ। वो वीडियो को मिस करना मिस मत कीजिएगा। और जो भी लोग नए वीडियो पर आए हुए हैं, अगर लगता है खूब सारा पैसा कमाना है भविष्य में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियो देखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल सके। काम करें या ना करें, वीडियो सारे देखिए, आज नहीं तो कल तो पैसा आएगा। सपने तो आप और हम सभी देखते हैं, तो कल जब पैसा आ जाएगा तो बाजार की पूरी समझ आपके अंदर रहेगी। किसी के घर पर जाके नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, आप ही सब जानकर आप सब जानकारी रखे होंगे कि कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर स्टॉप लॉस लेना है, कितने हमारे टारगेट हो सकते हैं। आशा करता हूं स्टोरी और वीडियो दोनों पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं बाजार से पैसा बन नहीं सकता, या फिर जिन्होंने गाढ़ी मेहनत की कमाई बाजार में खोई हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।